राजनीतिक ऑपरेशन बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह आईपी ने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके कई संघर्ष के ऐतिहासिक पलों को साझा किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2011 नवंबर में नेता रात्रि के 10 बजे हमसे फोन पर कहे थे कि आपकी अखिलेश से मिलने की बात हुई या नहीं। जब हमने कहा कि नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश से कहता हूँ, वह आपसे बात कर लेंगे। जिसके बाद सुबह ही अखिलेश जी का फोन हमारे पास आया और कहा कि आपको आज मिलने आना था, जिस पर हमने कहा कि हमारी आपसे बात नहीं हो पाई, इस कारण मैं नहीं निकल पाया, अभी जल्दी से जल्दी पहुंचता हूं। और हम माननीय नेता जी के पैतृक आवास सफाई पहुंचकर करीब 3 घंटे अखिलेश जी से मुलाकात कर एवं लंबा विचार विमर्श सामाजिक बुराइयों पर किया था, जिसके बाद हमने जो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा अभियान को चलाया था, उस अभियान से प्रसन्न होकर नेताजी ने 2012 में हमें भेजी एक पत्र में समाजवादी पार्टी की विजय का श्रेय हमें यानी ऑपरेशन विजय को दिया था। उन्होंने कहा कि नेताजी के संघर्ष व सिद्धांतों से आज समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भटक कर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की असली भूमिका भी निभा नहीं पा रहा। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के लोग घटनाओं के शिकार होकर न्याय से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि पिछले समय समाजवादी पार्टी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बांदा में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल भेजा, जिनको समाजवादी पार्टी 44 दिन तक जेल से भी नहीं छुड़ा पाई। उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता डरे हुए व संघर्ष विहीन हो गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पहले की तरह ही पूरे जोश व संघर्ष में दिखता है। अंत में उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी ने नेताजी के संघर्ष सिद्धांत व आदर्शों को नहीं अपनाया तो भविष्य में सफलता मिलना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। गरीबों एवं सेना के मसीहा, आम जनता के प्रेरणा स्रोत, धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उन्हें दीर्घायु होने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी के शुभ चिंतक सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं हैं, माननीय नेताजी को देश व विदेश के करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं। उसी के तहत आज हम बताना चाहते हैं कि उनके सिद्धांतों और उनके संघर्षों को लेकर चल रही समाजवादी पार्टी आज नेताजी के संघर्षों व सिद्धांतों पर चलने में बड़े पैमाने पर भटकी हुई है। आज नेताजी की स्थापित समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मैं यह कह सकता हूं कि विपक्ष की भूमिका भी निभाने में लगभग पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनकी आवाज समाजवादी पार्टी को एक विपक्ष के तौर से जिस एक संघर्षशील तरीके से उठाना चाहिए उसे नहीं उठा पा रही है। आज समाजवादी पार्टी का प्रमुख नेतृत्व वह प्रमुख नेता हमें काफी कमजोर लग रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसी नेताजी वाले समाजवादी पार्टी की तरह ही आज भी पूरी तरह से जोश में है। नेताजी के संघर्षों और सिद्धांतों की एक हम छोटी सी बात आज आपको बताते हैं कि 2011 में जब हमने माननीय अखिलेश जी से
मुलाकात हेतु नेताजी से कहा तो नेताजी ने माननीय शिवपाल सिंह जी की बेटी की 2011 नवंबर में शादी के दिन ही हमें फोन करके कहा कि आपकी अखिलेश से बात हुई या नहीं। मैंने कहा मेरी बात नहीं हुई, तो नेताजी ने कहा कि आज वो शादी में बिजी होंगे, मैं बता देता हूं वह आपको फोन करेंगे और आपसे मिलेंगे। उसके बाद नेताजी के समय माननीय अखिलेश जी का संघर्ष क्या था, शादी के दूसरे दिन सुबह ही अखिलेश जी का हमारे पास फोन आया और कहा कि आज आप आ रहे थे मिलने के लिए, किस समय आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, इस कारण से मैं अभी निकला नहीं हूं, अभी आपसे मेरी बात हो गई, मैं तत्काल अभी आगरा से निकलता हूं और मैं उनके पैतृक आवास शैफई करीब 2 घंटे में पहुंचा। उस समय अखिलेश जी ने कहा था कि आज आपने मुझे बहुत इंतजार कराया। उसके बाद करीब 2.5-3 घंटे हमारी माननीय अखिलेश जी से नेताजी के सिद्धांतों व संघर्षों के ऊपर काफी लंबी बातचीत हुई, जिस पर हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से बाहर रहकर ही नेताजी के सिद्धांतों और संघर्षों को अपना आदर्श मानकर हम काम करेंगे। उसके बाद